हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है विद सम एंजल गाइडेंस। आज रीडिंग लेट पोस्ट होगी क्योंकि मैं 4 बजे इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ, 4 बजे शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं एयरपोर्ट चली गई थी। सडनली मुझे कुछ काम आ गया था, किसी को रिसीव करना था, तो मैं जस्ट अभी लौटी हूँ और इतने सारे SMS थे मेरे पे कि मैं आते ही सबसे पहले आपके लिए रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ। काफ़ी लोग मुझे कॉल्स भी करते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कॉल्स पिक नहीं करती कभी भी, सो नेवर कॉल। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए सीधा WhatsApp पे मैसेज कीजिए, तो वहाँ से आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। कॉल्स मत किया कीजिए क्योंकि फिर मैं पिक नहीं करती हूँ और मैं कॉल्स पर रीडिंग लेती भी नहीं हूँ। मेरा WhatsApp पे प्रोसेस है, तो आप WhatsApp के प्रोसेस को ही फॉलो किया कीजिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी। मून, पहला ही कार्ड मून की एनर्जी। देन वी हैव द चैरियट, मून विद द चैरियट। यहाँ वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव टावर, टू मोर कार्ड्स, द वर्ल्ड, टावर एंड द वर्ल्ड। कुछ तो डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। वन मोर कार्ड, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। वाइब्स ऐसी है जैसे आपके पर्सन ने इमोशनली कुछ डिसीजंस लिए हैं और ये जो डिसीजंस हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हैं। बीच में एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त एनर्जी फिर से चेंज हो रही है और चेंज हो रही है ना बेटर वे। मतलब अभी हैवी है लेकिन आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। काफ़ी लोगों के यूनियंस हो रहे हैं और सबसे पहले तो एक मुझे कमेंट याद आया, आई थिंक मैंने उनका पिन भी किया था। 14 साल बाद उस बच्ची का यूनियन हुआ है और उसकी शादी भी शायद उसी से होने वाली है, समथिंग उसने कमेंट में लिखा था। और 14 ईयर्स, काफ़ी लोगों ने लिखा है कि आपके वेट की दाद देनी पड़ेगी कि आपने इतना वेट किया, इतना सब्र किया। कई लोग होते हैं स्कूल टाइम से जानते हैं, कॉलेज टाइम से जानते हैं, मे बी उन लोग का ऐसा रिश्ता रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ पूरी सोल फैमिली, जो भी वो व्यूअर हैं, क्योंकि आधे लोग तो नाम ही नहीं लिखते हैं, तो उनको विश कर दे, भगवान करे सबका यूनियन हो जाए। जय महाकाल। साइन की बात करें सो वी हैव कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड द वर्ल्ड, ऑल साइंस। तो जो ऑल साइंस में से भी जो मुझे मेजर अरकाना से नज़र आ रहे हैं मैंने आपको बता दिया। एनर्जी काफ़ी हैवी है। इमोशंस कैसे हैं आपके पर्सन के, क्या चल रहा है? मून के बाद चैरियट आया है और मून को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि इनके इमोशंस ऐसे हैं कि ये इमोशनल होकर कुछ डिसीजंस ले चुके हैं ऑलरेडी। क्यों आया है चैरियट, कैसे डिसीजंस, आपकी तरफ वापस आने का डिसीजन। मैजिशियन की एनर्जी है मेजर अरकाना से, यहाँ से भी मैजिशियन है। ये अपनी लाइफ में उस डिसीजन को ले चुके हैं जो डिसीजन लेने में इन्होंने बहुत साल लगा दिए, जो सिर्फ ये इमेजिन करते थे बट ले नहीं पा रहे थे। क्या इमेजिन कर रहे थे आपके पर्सन? आपके पर्सन चाहते थे आपसे बातचीत करना, आपके साथ आगे बढ़ना और कुछ सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकल जाना।
तो इसीलिए इसके बाद डिस्ट्रक्शन है। कैसा डिस्ट्रक्शन? डिवाइन इंटरवेंशन। कैसा डिवाइन इंटरवेंशन? एक कार्ड और आया है, टावर को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। टावर को डेथ ने क्लैरिफाई किया, डेथ एंड द फूल। काफ़ी लोगों के पार्टनर का ईगो ख़त्म हो रहा है, इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है। अगर शादीशुदा हैं, शादी ख़त्म हो रही है। इनकी लाइफ में किसी का डोमिनेंस है, वो डोमिनेंस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, ये वाइब्स है। द वर्ड क्यों आया है? एंडिंग ऑफ अ साइकिल। वी हैव जस्टिस। यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत सारे तो ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो कि टॉक्सिक मैरिज में हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत टॉक्सिक बिहेव करते हैं, या बहुत ही गंदा बिहेवियर है आपके साथ, अब्यूसिव बिहेवियर है, मारपीट होती है, गाली गलौज होते हैं, झगड़े होते हैं, सेपरेशन है या मल्टीपल अफेयर्स हैं, इन्हें हम टॉक्सिक रिलेशन कहते हैं। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये टॉक्सिक सिचुएशंस एंड हो जाएंगी। साथ ही साथ थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स है। कुछ लोगों के पार्टनर्स को यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी कंप्लीशन को दर्शा रही है। कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन होगा, यहाँ क्लैरिटी मिलेगी, और कुछ लोगों का परमानेंट सेपरेशन होगा थर्ड पार्टी से, ये वाइब्स है। यूनियन आपके साथ होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेलिब्रेशन की एनर्जी है, और जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ एंडिंग की वाइब्स है। ठंडा गर्म हो गया मुझे, सर्दी हो गई ऐसा लग रहा है। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट को सूर्य ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन किसी बोझ से बाहर आ रहे हैं, इन्होंने एक्शन ले लिया है। किस चीज़ के लिए? नई शुरुआत के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसका ये बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। सडनली यहाँ पर कोई डिसीजंस आपको दिखेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी, मैंने पहले कहा, हैवी है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। इनकी एनर्जी में थर्ड पार्टी रिलीज की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ से सडनली थर्ड पार्टी चली जाएगी। आज से शनि रेट्रोग्रेड है। शनि रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, या नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, अपनी राशि और लग्न से। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये मन की सुनेंगे, और यहाँ पर शनि की वाइब्स है। यहाँ पर जो वाइब्स है वो जजमेंट की है, न्याय के देवता हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कार्मिक साइकिल्स जिनकी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, फटाफट रिलीज़ होगी, कट ऑफ होंगे। 2024 में कार्मा किसी का पेंडिंग नहीं रहेगा, ज़्यादातर रिलीज़ होगा, ऐसी वाइब्स है। देखते हैं करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, द गार्डनर, बाउंड्रीज, सेरेंडिपिटी, चिवेलरी, और कोई कार्ड आना चाह रहा है? यिन एंड यांग, सोलमेट्स, इंटीमेसी, वर्दीनेस। यहाँ पर जो वाइब्स है करंट फीलिंग्स में, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि बहुत दे दिया आपने, बहुत एहसान हो गए आपके इनके ऊपर, अब चुकाने की बारी है। इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को आज तक सिर्फ आपने ही सींचा है, आपने ही इस रिश्ते को ग्रो किया है, आपने ही मेहनत करी है, अब इनकी बारी है देने की, प्रोवाइडर का काम करने की। ये भी नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अब आप पहले के जैसे नहीं हो, आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है, क्योंकि आप इरिटेट हो चुके हो।
अगर ये बाउंड्री इन्होंने अब नहीं लांगी, आपकी तरफ वापस नहीं आए, तो शायद ये बाउंड्री आप और बड़ी कर लोगे और आप दोनों में सेपरेशन हो जाएगा। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जो बाउंड्री रख रहे हो बीच में, उसका कारण ये खुद है। ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे, ये अपने आप को ब्लेम कर रहे। इन्हें लगता है कि आपने जितना दिया उसके बदले इन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे डिटैच हो रहे हो, धीरे धीरे आप दूर हो रहे हो, और ये नहीं चाहते कि आप इनसे कम्प्लीटली दूर हो जाओ। इसलिए ये हर कोशिश करेंगे, अपने आप को सरेंडर इन्होंने किया हुआ है, हर कोशिश करेंगे कि ये अपने सोलमेट की तरफ रिटर्न आ जाए, वापस आ जाए। ये वाइब्स है यहाँ पर। और वापस ही नहीं आए, ये आपको पहले से ज़्यादा शिद्दत से चाहें, पहले से ज़्यादा आपके लिए कुछ कर पाएँ, पहले से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दे पाएँ। इन्होंने आपकी वर्थ को पहचान लिया है पूरी तरीके से, यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है। तो करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है, आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा इनको फील हो रहा है। इन्हें यह भी समझ में आ चुका है कि आप इनसे डिस्टेंस क्यों बना रहे हो। इन्हें यह भी समझ में आ चुका है कि ये अपने बलबूते पर जब चाहे जो चाहे एक्शन ले सकते थे, फिर भी इन्होंने नहीं लिया, अब ये लेंगे। फिज़िकली भी ये आपको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं और आपकी वर्थ को भी समझ चुके हैं कि आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो तो इनकी लाइफ कैसी हो जाती है, और आपके इनके लाइफ में रहने से इनकी लाइफ कैसी होती है। ये डिफरेंस इन्होंने पहचान लिया है। तो ये यहाँ पर करंट फीलिंग्स का सार है आज की एनर्जी में। और काफ़ी ज़्यादा इनको ये क्रेविंग हो रही है कि अब सही समय आ चुका है जब हमें बैलेंस में आना है। तो यहाँ पे यिन एंड यांग की वाइब्स है, यहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी जो है इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा? छः नंबर भी देंगे, आ गया छः नंबर, सात आठ दिखा मुझे तो मैंने बोला छः नंबर दे दीजिए, छः नंबर आ गया। देखिए 786 हो गया, और हमारे पास आ गया नंबर 11 और 9, 9-11 भी दे दिया, 786 भी दे दिया। मतलब शिव शक्ति के दोनों वाइब्स हैं यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु महेश की वाइब्स है, शिव शक्ति की वाइब्स है। 9-11 एंड 786 एंड वी हैव 111, न्यू बिगनिंग, बहुत खूबसूरत एनर्जी। अच्छा 4 भी दे दिया, और भी कोई नंबर देने वाले हैं? एक और 4, यहाँ पर मदर गाया खुद आ गई हैं, क्राउन चक्रा, यूनिवर्स, इंट्यूशन एंड रूट चक्रा, बेस चक्रा। ओके, तो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन में सबसे पहले बता दूँ कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा शांत होंगे, साइलेंट में जाएंगे। कमिंग 25 आवर्स, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड रहेंगे, थोड़ा ये आपसे डिस्कनेक्टेड रहेंगे, साइलेंट जोन में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे मूव ऑन करना चाहते हैं, मुझसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका ऑपोजिट है। ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ के जिसके लिए इनको प्राइवेसी चाहिए, इनको स्पेस चाहिए। तो गिव हिम और गिव हर सम स्पेस ताकि ये सही डिसीजन ले सकें, खुद को बैलेंस कर सकें और एक राइट डिसीजन पर पहुँच सकें सोच समझ कर। इन्हें अपनी इंट्यूशन के सुनने दीजिए, आपके प्रेशर में आके कोई डिसीजन ना लें। कल को ये ना कहें कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये किया, तुम्हारे कहने पर मैंने वो कर दिया। आप अपने ऊपर कोई ब्लेम लेना चाहें तो लें, अदरवाइज़ यहाँ पर गाइडेंस यही है कि ना लें। ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत सोच समझ कर, इतनी प्लानिंग करके कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स अपने रिश्ते में लेने वाले, कुछ ऐसे एक्शंस जो कि डेस्टाइंड होंगे, जो कि डिवाइनली गाइडेड हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से इंटरफेयर ना करने की गाइडेंस दी जा रही है। तो जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए ये मैसेज है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, इमीडिएट एक्शन में आपके पर्सन क्लैरिटी आपको ज़रूर दे देंगे। ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे बहुत समय से, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ राज आपके सामने आ सकते हैं। आखिर ये क्यों आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली कारण, लोगों के कारण, समाज के कारण, सोसाइटी के कारण, जो भी सिचुएशंस है ये आपको बता सकते हैं।
जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके लिए 25 घंटे के अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि बातचीत होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, कम चांसेस हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट ये जानबूझकर साइलेंट जोन में रहेंगे, इसलिए कि क्या बोलें, कैसे बोलें, कोई एक्शन ले सकते हैं तो बोलें, अदरवाइज शांत रहें। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत लकी वंस होंगे जिनको 25 घंटे के अंदर कॉल मैसेज आएगा, अदरवाइज़ जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर चांसेस थोड़े कम हैं बातचीत के, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी हैवी रहने वाली है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों को मैंने बता दिया है ताकि दोनों के हिसाब से आपको गाइडेंस मिल जाए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? पहला मैसेज है पीसफुल रिजोल्यूशन, कोशिश करना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, लेकिन बीच का रास्ता निकल जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा आपके एंजल्स बोल रहे हैं। कुछ पूछना हो तो एंजल्स से आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ बिग येस, अभी इस वक्त आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए येस है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलने वाली है, अगर आपको अपनी इंट्यूशन पर बिलीव है और एंजल्स पर बिलीव है तो। लास्ट मैसेज है हेल्पफुल पीपल, अपने आसपास ऐसे लोगों को मत रखिए जो आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को रखिए जो आपके बुरे वक्त में आपका सपोर्ट बने, आपको सही रास्ता दिखाएं, और डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। ये मैसेज है यहाँ पर भोलेनाथ की तरफ से, आज हम लेंगे 2 कार्ड्स क्योंकि एनर्जी हैवी है, तो भोलेनाथ आपका मार्गदर्शन करेंगे। 2 कार्ड दे दें, आ गए 2 कार्ड हमारे पास। फर्स्ट कार्ड है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिंजिंग। सेकंड है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। तो पहला मैसेज तो आपके लिए रुद्राक्ष का है। रुद्राक्ष देखिए एक ऐसा डिवाइन एलिमेंट है जिसको आप पहनेंगे आपको लॉर्ड शिवा की अनुभूति होगी कि आपके पास शिव का कुछ तो है हमेशा आपके साथ। तो जैसे मैंने ये धारण किया हुआ है, और ये मैंने कैसे धारण किया है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जब मैं महाकाल दर्शन करने के लिए गई थी, ओमकारेश्वर पहुँची, तो ओमकारेश्वर में मुझे आपको तो पूरी स्टोरी पता है आई थिंक, क्योंकि मैं महाकाल में अपने से नहीं गई थी, मुझे बुलावा आया था, बाबा ने खुद बुलाया मुझे, और मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ और देखती हूँ, तो वही चीज़ें रहती हैं वहाँ पर, वही ज़मीनें रहती हैं, वही सब कुछ जो सिनेरियो रहता है। तो मेरी सोल वहाँ पहले पहुँच जाती है क्योंकि बुलावा आया होता है, और जब मैं दोबारा जाती हूँ खोज खाज के कि ये कौन सी जगह थी, और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तब मुझे शौक लगता है हर बार कि मतलब ये सारी चीज़ें तो मैं घूम चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैं देख चुकी हूँ, वो खंभे देख चुकी हूँ, फ़ील कर चुकी हूँ, वो प्लेस फ़ील कर चुकी हूँ। तो मुझे बुलावा आया था, और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने दर्शन किए, महाकाल में दर्शन किए, फिर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, सारे दर्शन करने के बाद गजराना गणेश सब कुछ दर्शन किया मैंने, और वहीं से मैंने रुद्राक्ष लिया था, फ्रूट्स जो होते हैं उसमें से रुद्राक्ष लिया था। मैं कभी भी मार्केट से रुद्राक्ष नहीं ख़रीदती हूँ, और मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करती हूँ कि आप किसी के बनाए हुए ब्रेसलेट पहन लें, किसी के बनाए हुए रुद्राक्ष को ले लें और धारण कर लें, किसी की एनर्जी टच करने के बाद मैं नहीं प्रिफर करती। मुझे चाहिए कि वो डायरेक्ट मैं लूँ और मेरी ही एनर्जी उसमें रहे और भगवान का आशीर्वाद रहे, बस मेरे और भगवान के बीच में मुझे किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस न कभी पसंद था, न है, न कभी होगा। तो यहाँ पर कई लोग होते हैं जो ब्रेसलेट खरीद के पहन लेते हैं, कहीं से मंगा लिया ब्रेसलेट पहन लिया, कहीं से चार्ज करके, आजकल एक नया माहौल बना हुआ है चार्ज चीज़ों को भेजने का, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस बंदे की वाइब्रेशन कैसी है जो चार्ज कर रहा है, उस बंदे की वाइब्रेशन कैसी है जो आपको भेज रहा है। अगर वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन का है तब तो फिर भी ठीक है, बट अगर बंदे की वाइब्रेशन किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उसके अंदर, तो वो चीज़ें समझ लीजिए कि आपको कैसा परिणाम देंगी। तो रुद्राक्ष जो है ये भगवान का अश्र है, आंसू है, और यहाँ पर आपको रुद्राक्ष जब भी आप धारण करते हैं तो आपको इसके रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। रूल्स सिर्फ इतने हैं, देखिए भगवान की कोई भी चीज़ पर आपका पूर्ण अधिकार है क्योंकि वो आपके हैं और आप उनके हैं, मैं ऐसा ही मानती हूँ, और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जब उसे धारण करते हैं तो आप सात्विक होने चाहिए, आप नॉनवेज नहीं खाने चाहिए। आप कई लोग होते हैं जो नॉनवेज तो नहीं खाते बट एग खाते हैं, कुछ नहीं खाना है। अगर आप भगवान से रिलेटेड आप पूजा भी कर रहे हैं, आप डेली मॉर्निंग में अगर पूजा पाठ भी करते हैं, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप एग खा रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो सात्विक रहना है। तभी आप रुद्राक्ष या तभी आप हनुमान चालीसा, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते, कोई भी मंत्र। तो ये मैं मानती हूँ और मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, बट यही रूल है। और रुद्राक्ष आप जब धारण करते हैं तो आपको एनर्जी फील होती है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सिंपल आप फ्रूट्स में से भगवान से प्रे करिए कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा है वो आ जाए मेरे पास। और आप रैंडमली फ्रूट्स में से आपको जो जितने भी चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, आपको ब्रेसलेट बनानी है या आपको गले में पहनना है या आपको सिर्फ हाथ में पहनना है, जहाँ भी आप पहनना चाह रहे हैं उसके हिसाब से जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं आप लीजिए। और लेने के बाद आप उसको ओपन करवाइए और जो भी आया उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के, ये नहीं कि पंचमुखी पहनना है, सात मुखी पहनना है, ऐसे कितने मुखी पहनने हैं, ये सब कुछ नहीं होता। जस्ट डायरेक्ट भगवान को प्रे कीजिए, फ्रूट्स ओपन करवाइए, जो आपके भाग्य से निकलेगा उसको लीजिए, भगवान शिव का आशीर्वाद समझिए। किसी भी शिवलिंग जो कि सिद्धपीठ है, यह सिद्धपीठ में आप जाइए, जहाँ पर भी स्थापित है महादेव का शिवलिंग, वहाँ पर आप पंडित जी से बोलिए कि वो गंगा जल दें, दूध आप लेकर जाइए, दूध से स्नान कराइए, उनसे टच करवाइए और उसके बाद वो रख लीजिए, ठीक है। और उसको रखने के बाद आप जब टच कराते हैं, जब आप वो प्रोसेस में होते हैं क्लिंजिंग के, तब आप अपनी प्रेयर्स उसमें डाल दीजिए, अपनी अफर्मेशंस उसमें डाल दीजिए कि आप उसको किस तरीके का पावर देना चाहते हैं। ये आपकी हमेशा रक्षा करे, ऐसी अफर्मेशन डालनी है कि ये धारण करते ही आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, ये अफर्मेशन डालनी है, या ये धारण करते ही आपका भाग्योदय हो जाए। आप क्या अफर्मेशन उसमें डालना चाहते हैं, जस्ट गिव योर अफर्मेशंस एंड देन आप उसको धारण कर लें, ठीक है। तो रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्ट करता है। और मैं जो अपना बता रही थी तो मैंने वहीं से लिया था, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, तो मैंने वहीं से लिया। और वहाँ से लेने के बाद मैंने ओमकारेश्वर में और ममलेश्वर में दोनों जगह इसको मैंने क्लिंस करवाया है। और दोनों जगह क्लिंस करवाने के बाद मेरा ये प्रोसेस कम्प्लीट हुआ। और जब मैं लौट रही थी तो मुझे ओम के दर्शन हुए, और ओम के दर्शन मुझे भगवान ने इसीलिए दिए क्योंकि उनका ये कहना था कि तुम्हारी ये यात्रा सफल हो गई। तो मेरा वहाँ पर कुछ एक्टिवेशंस था जो मुझे वहाँ जाना था, इसके पहले केदारनाथ, उसके पहले द्वारकाधीश, सोमनाथ, हर जगह मुझे भगवान जहाँ बुलाते हैं मैं तुरंत पहुँचती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि कब, कहाँ, कैसे, मैं तुरंत निकलती हूँ और चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जो वाइब्स होती हैं, भगवान जब आपसे कनेक्टेड होते हैं तो वो खुद आपको बुलाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोगों को सपने आते होंगे और इस पर मैंने सपने वाले में भी बताया है, आई थिंक शंकर जी के सपने वाले में। नेक्स्ट यहाँ पर है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, जब आप किसी पर ब्लेम करते हैं या गुस्सा करते हैं तो आप अंदर से नेगेटिव होते हैं, सिंपल फंडा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें तो अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स में रहें और लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों को फॉरगिव करना सीखें, लोगों को लेट गो करना सीखें। बहुत ज़्यादा अपने सर पर चढ़ाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक दायरे में, आपके यहाँ पर 3D में जो भी आपके सिस्टम चल रहे हैं ये सब पिछले जन्म के कर्मा हैं, चाहे कोई भी है, जिस फैमिली में आप जन्म लेते हैं, जिस फैमिली में आपकी शादी होती है, जिस फैमिली में आपके तरफ से जो बच्चे आते हैं, ये सबके साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा होता है, चाहे पॉजिटिव कर्मा जुड़ा हो, नेगेटिव कर्मा जुड़ा हो। और उन आपके पूरे संसार में से कुछ गिने चुने लोग आपकी ज़िंदगी में वैल्यू करते हैं तो उनके साथ आपका लेन देन बकाया होता है। तो आप यहाँ पर आए हैं अपने कर्मा बढ़ाएं नहीं, अपने कर्मा घटाने आए हैं, ठीक है। भगवान दो मटकी देकर भेजता है, एक अच्छी मटकी और एक ऐसी मटकी जिसमें आप बुरे कर्म करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मटका अपने साथ ऊपर लेकर जाना है। खाली मटका लेकर जाइए बुरे कर्म वाला, और भरा हुआ मटका लेकर जाइए अच्छे कर्म वाला, सिंपल फंडा है। तो आप जितना अपने लाइफ में फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करेंगे और पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी आप भगवान को पा लेंगे, क्योंकि भगवान सिंपल लोगों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करते हैं, हर चीज़ में मैथ्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ में ये यूज़ करते हैं कि भगवान को पूजा करनी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कपड़े होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है, ध्यान नहीं रहता। अंतर्मन से ध्यान केंद्रित करें, सिंपल है। लेकिन मेरा फंडा ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है पागल है। तो ठीक है, मेरे तो सब चलता है, मुझे कोई कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो यही है, भोलेनाथ आपसे यही कह रहे हैं कि अगर किसी को नेगेटिविटी लग रही हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, या अगर आपको लग रहा हो कि आपको डर लगता है, आपको भय होता है, आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत ब्लॉकेजेस हैं, आप कोई कार्य करने जाते हैं उसमें अड़ंगा आ रहा है, रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष धारण करते ही अगर आपने अफर्मेशंस के साथ सिद्ध मंदिर में किसी भी सिद्ध पीठ में टच कराकर आपने लिया है, वो काम करेगा ही करेगा। उस दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। कंडीशंस ये है कि रुद्राक्ष हमेशा शरीर से टच करते रहना चाहिए। कई लोग देखते हैं दिखावा करने के लिए जैकेट के ऊपर पहन लेते हैं, बड़े बड़े माले, बड़े बड़े चीज़ें जैकेट के ऊपर, वो कोई फ़ायदा नहीं करता। भगवान की जो वस्तु होती है वो आपके, इसीलिए जब रत्ती हम पहनते हैं ना, कि कोई भी चीज़ हम किसी रत्ती का पहनते हैं तो वो टच होना चाहिए, तभी वो वर्क करती है, कोई भी स्टोन, ठीक है। तो जब आप रुद्राक्ष धारण करें वो आपकी स्किन से टच होना चाहिए। अब ये मेरी स्किन से टच होता है, ठीक है। अगर मैं जैकेट के ऊपर पहनी रहूँ, सूट के ऊपर पहनी रहूँ, साड़ी के ऊपर पहनी रहूँ, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो आपके शरीर के साथ कनेक्शन में नहीं है वो। सो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप माला पहने तो दिखाएं नहीं बाहर, अंदर डालें, दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है वो। मैंने एक ही पहना इसलिए मैं हाथ में पहनती हूँ, अगर मैं माला पहनती तो शायद आपको वो दिखता भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं माला नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बस अपनी सेफ्टी के लिए एक पहनती हूँ और ये मेरे लिए वेल एनफ है, क्योंकि मेरी सेफ्टी स्वयं भगवान करते हैं। तो ये मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है। काफ़ी लोग रुद्राक्ष के बारे में बहुत दिन से पूछ रहे थे, कहाँ से ली, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ लेकिन दोबारा बता दी। सो मिलते हैं रात में, थर्ड पार्टी आज सैटरडे है यार, मुझे दिन उन कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं किस दुनिया में रहती हूँ। सैटरडे तो है 29 जून, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे शाम को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।